अब्राहम की संतान, दाविद के वंशज, यीशु की वंशावली। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा तथा उनके भाई उत्पन्न हुए। तामार द्वारा यहूदा से फारेस तथा जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोन, एस्रोन से हाराम, हाराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और राखाब से बोएज, बोएज और रूत से ओबेद, ओबेद से यीशे तथा यीशे से राजा दाविद उत्पन्न हुए। दाविद और उरिया की निवर्तमान पत्नी से शलोमोन उत्पन्न हुए। शलोमोन से रोबोहाम, रोबोहाम से हबिया, हबिया से आसाफ, आसाफ से यहोशफात, यहोशफात से योराम, योराम से उजिया, उजिया से योथाम, योथाम से आखाज, आखाज से हिजकिया, हिजकिया से मनशे, मनशे से आमोस, आमोस से योशिया, योशिया से बाबेल पहुंचने के समय यहोनिया तथा उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबेल पहुंचने के बाद यहोनिया से सलाथियल उत्पन्न हुए। सलाथियल से जेरुबाबेल, जेरुबाबेल से अबिहुद, अबिहुद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलिहुद, एलिहुद से एलियाजर, एलियाजर से मत्थान, मत्थान से याकूब और याकूब से योसेफ उत्पन्न हुए, जिन्होंने मरियम से विवाह किया, जिनके द्वारा यीशु, जिन्हें मसीह कहा जाता है, उत्पन्न हुए। अब्राहम से लेकर दाविद तक कुल 14 पीढ़ियां, दाविद से बाबेल पहुंचने तक 14 तथा बाबेल पहुंचने से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुई। मसीह यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम का विवाह योसेफ से तय हो चुका था, किंतु इससे पहले कि उनमें सहवास होता, ये मालूम हुआ कि मरियम गर्भवती हैं। ये गर्भ पवित्र आत्मा द्वारा था। उनके पति योसेफ एक धर्मी पुरुष थे। वे नहीं चाहते थे कि मरियम को किसी प्रकार से लज्जित होना पड़े, इसलिए उन्होंने किसी पर प्रकट किए बिना मरियम को त्याग देने का निर्णय किया। किंतु जब उन्होंने ये निश्चय कर लिया, प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने स्वप्न में प्रकट हो उनसे कहा, योसेफ, दाविद के वंशज, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने से डरो मत, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देंगी, तुम उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देंगे। ये सब इसलिए घटित हुआ कि भविष्यद्वक्ता के माध्यम से कहा गया, प्रभु का ये वचन पूरा हो जाए, एक कुंवारी कन्या गर्भ धारण करेगी, पुत्र को जन्म देगी और उसे इमानुएल नाम से पुकारेगी। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जागने पर योसेफ ने वैसा ही किया जैसा स्वर्गदूत ने उन्हें आज्ञा दी थी। उन्होंने मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, किंतु पुत्र जन्म तक उनका कौमार्य सुरक्षित रखा और उन्होंने पुत्र का नाम यीशु रखा।